जय भोले जी की। हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ मेले 2021 की गाइडलाइंस का काफी समय से सभी श्रद्धालुओं को इंतजार था। कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गाइडलाइंस के अनुसार महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ ही कोरोना नेगेटिव मेडिकल सर्टिफिकेट लाना भी जरूरी होगा। गाइडलाइन में गर्भवती महिलाओं, 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को महाकुंभ में नहीं आने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई है। धर्मनगरी हरिद्वार को महाकुंभ के लिए खूब सजाया और संवारा जा रहा है। जगह जगह दीवारों पर पेंटिंग्स की जा रही हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, संत महात्माओं के लिए टेंटों की व्यवस्था की जा रही है और अब ये भी माना जा रहा है कि 27 फरवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में प्रशासन के पास अभी महीने भर का समय बचा हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि मेले में ऐसे हेल्थ केयर वर्कर को ही ड्यूटी पर तैनात करें जिन्हें वैक्सीन दे दी गई हो। साथ ही कुंभ मेले में ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कुंभ मेला 2021 से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। जय भोले जी की।